Hey everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Humanities Kaksha. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CVT UG एग्जाम 2024 के लिए ज्योग्राफी के टॉप 20 MCQs, जो MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडो आर्यन। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू इंडो आर्यन कम्युनिटी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। जो ये लैंड डिग्रेडेशन है उसके पीछे कौन सा सबसे बड़ा मुख्य कारण है? लैंड डिग्रेडेशन के पीछे सबसे मुख्य कारण है सॉयल इरोशन। सॉयल इरोशन की वजह से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन। नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, और आप कह सकते हो कौन सा कॉन्सेप्ट नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन को लिंक करता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। फोर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनली इज नॉट ए इंडस्ट्रियल सिटी। यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइक कौन सा इंडस्ट्रियल सिटी है, कौन सा नहीं है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है, कौन सा एजुकेशन है। इन चीज़ों पर आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर द गिवन नेचुरल गैस रिजर्वर इन इंडिया। भारत देश में जो नेचुरल गैस रिजर्वर है उसको वेस्ट टू ईस्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जैसलमार, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये आपका टोटल वेस्ट टू ईस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंटरप्रेटेड एज ए कंटीन्यूअस एफर्ट टू अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे कौन सा चीज है जो पॉपुलेशन एंड रिसोर्स के बीच में एक स्पॉन्टेनियस एफर्ट है कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, माइग्रेशन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HYB ऑफ व्हीट एंड राइस आर डेवलप्ड। देखो यहाँ पे बताया गया है कौन से कंट्री में वर्ल्ड में जिसमें HYB डेवलप्ड किया गया था। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मेक्सिको एंड फिलीपींस। इन देशों में HYB शीट्स, व्हीट्स एंड राइस के लिए एक्चुअली डेवलप्ड किया गया था। क्वेश्चन है, व्हिच कंडीशंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर जनरली सीन इन द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट। यहाँ पे बताया गया है कि जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है, मतलब जिन कंट्री में बहुत ही एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, मतलब बहुत ही बुरा हालत है, उन कंट्री का एक्चुअली बर्थ एंड डेथ रेट का पोजीशन क्या है? वो वहाँ पे हाई बर्थ रेट, ऑब्वियसली वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, तो हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स, फूड्स अवेलेबिलिटी नहीं है। टू सिटीज आर कनेक्टेड बाय द कैनाल टनल। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लंदन एंड पेरिस। ये दोनों सिटी कैनाल टनल की मदद से कनेक्टेड है। व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मैंगलोर पोर्ट्स। यहाँ पे कौन सा चीज़ जो न्यू मैंगलोर पोर्ट से सबसे ज़्यादा परिमाण में एक्सपोर्ट किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आयरन ओर। आगे बढ़ने से पहले आप सब CVT एस्पिरेंट्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचना। ह्यूमैनिटीज कक्षा आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। हमने आपके लिए CVT 2024 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, इन सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट किया है। आप हमारे मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपको कितना मार्क्स CVT में मिल सकता है। इस मॉक टेस्ट में आपको इमीडिएट आंसर्स मिल जाएगा, आपको कितना मार्क्स आया वो भी आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट का मोर देन 20 मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको इम्प्रूव कर सकते हो फॉर CVT एग्जामिनेशन। सो हमारे इस मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पर आप ज़रूर हमको मैसेज कीजिए।
आपका 11th क्वेश्चन, which of the following sector has used the highest percentage of the total water in India? कौन से सेक्टर में भारत देश में सबसे ज़्यादा वाटर यूज होता है? ये तो बहुत ईजी है, एग्रीकल्चर। भारत देश का जो एग्रीकल्चर है, आपको पता है जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस देश में सबसे ज़्यादा वाटर, सबसे ज़्यादा पानी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। आपका नेक्स्ट MCQ है, which one of the following union territories has the highest density of population? ये तो बहुत ईजी है, इधर यहाँ पे बताया गया है कौन से यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका आंसर होगा NCT, दिल्ली। दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। भारत देश में हम कहें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली का ही है। ओके, एंड स्टेट का देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है विथ मोर देन 24 करोड़। एंड दिल्ली का पॉपुलेशन प्रेजेंटली हम कहें तो मोर देन 2.5 करोड़। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? यहाँ पे कौन सा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं है? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बहुत ईजी है क्योंकि मिनरल बताया गया, सॉल्ट तो कोई मिनरल है नहीं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। Which among the following is correct meaning of the land degradation? यहाँ पे कौन सा land degradation का correct meaning कह सकते हो और correct explanation कह सकते हो? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, declining the productivity of the land। लैंड का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो डिक्लाइन हो जाना और रिड्यूस हो जाना, उसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेशन कंटेनमेंट टाउन? ग्रेशन कंटेनमेंट टाउन मीन्स ऐसे टाउन जहाँ पे मेनली जो आर्मी होते हैं, फोर्स होते हैं, उसके हेडक्वार्टर होते हैं, वो होगा आंसर मऊ, मध्य प्रदेश में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेशन कंटेनमेंट टाउन के रूप में माना जाता है। पन्ना, पाड़ा, पाली, नागला, धनी आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट? ये कौन से फॉलोइंग सेटलमेंट का एग्जाम्पल है? अरे ये तो बहुत ही ईजी है, ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर से है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हैमलेटेड सेटलमेंट। ये हैमलेटेड सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम के लिए, CVT एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सारे का एग्जाम्पल सीख के जाना पड़ेगा कि ये कहाँ है, क्या पाया जाता है, इनसे MCQ आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्यों है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू? इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको हम ऑक्यूपेशन के रूप से, ऑक्यूपेशन का साइड देखें तो उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर्स। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू फॉर्मुलेट द नेशनल वाटर पॉलिसी। आपको बताया गया है कि आप नेशनल वाटर पॉलिसी जो है उसको फॉर्मुलेट कीजिए, उसको लागू कीजिए विद एटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर यू। आपके लिए कौन सा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो? ये तो बहुत ईजी है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर। देखो, कोई भी नेशनल वाटर के रिलेटेड, आपको वाटर के रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाओ, फर्स्ट ये प्रायोरिटी रखना पड़ेगा कि देश के हर बंदे को, हर आदमी को, हर नागरिक को, हर सिटीजन को क्या मिले, फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए मिले। ठीक है, आज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्स? इन्फॉर्मेशन को कौन से सेक्टर में कलेक्ट किया जाता है? ये तो बहुत ईजी है, क्वार्टनरी सेक्टर होगा, क्योंकि प्राइमरी में तो जनरली नेचुरल एक्टिविटी, सेकेंडरी में प्रोसेसिंग, टर्शियरी में सर्विस सेक्टर, तो इन्फॉर्मेशन कम्स कौन से अंडर आएगा? ये आएगा क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर। एंड जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग लैंड एंड द अनस्टेबल अर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर गिव दिस डेफिनेशन? कौन से जियोग्राफर ने ये डेफिनेशन दिया था? ये डेफिनेशन पार्ट से है, चैप्टर 1 जियोग्राफी से है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एलन सी सैंपल, जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।